सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो मैं आया हूँ अभी बाजार कहना ऑटो अंकलेश्वर। ओके, सो ये है पल्सर 180 एफ मॉडल जो कि 220 है, उससे नीचे वेरिएंट वाला मॉडल है। तो ये चारों तरफ से जो मॉडल है दिखने में सेम है। तो मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है और मैंने 220 भी चलाई है, हालांकि उसको बहुत टाइम हो गया और ब्रेकिंग भी मुझे सही लग रही है। फ्रंट ब्रेकिंग मैं नहीं दबाने वाला फालतू में। सो तो बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो मैं आया हूँ अभी बजाज कहना ऑटो अंकलेश्वर शोरूम पे। तो आज जो है वीडियो आने वाली है 180 एफ जो कि लेटेस्ट मॉडल है 2020 का BS6 मॉडल है। सो वो करूँगा, उसके फीचर्स होंगे और जो टेस्ट राइड होगा उसका भी फीचर वो भी बताऊंगा और मेरा जो एक्सपीरियंस आएगा गाड़ी को लेके वो मैं बताने वाला हूँ तुमको। तो वीडियो पूरा देख लेना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। और या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये है पल्सर 180 एफ। तो ये जो है इसमें जितनी ग्राफिक्स मिलेगा उसके अंदर 220 के अंदर से थोड़ा अलग ग्राफिक्स है इसके अंदर। सो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। और ऑफकोर्स 180 है, 180 एफ नाम है तो 220 से थोड़ा कम होगा इसका पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चालू करते इसके बॉडी के साथ। तो 180 एफ में तुमको जो ये रेड कलर का है ना वो बहुत दिखेगा, रेड कलर में पल्सर लिखा हुआ है, यहाँ जो है वो रेड कलर में डिजाइन दिया हुआ है, साथ में यहाँ जो है ये रेड कलर में आपको मिलेगा और ये जो देख रहे हो नीचे ये जो है ये रेड कलर में, और टायर में भी रेड कलर का वो स्ट्राइप जैसा दिया हुआ है। और यहाँ जो वेंटिलेशन ग्रिल है ये एक्चुअली में तो इसको भी रेड में दिया हुआ है, जैसे मैंने तुमको बोला टायर भी रेड में मिलेगा। तो ये देखो टायर रेड कलर में दिया हुआ है और ऑफकोर्स ये रेड कलर में, ये 180 जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में, और इधर साइड जो है वो सब सेम ही रहेगा और वो जो है वो रेड कलर में है और नीचे और ये पल्सर लिखा हुआ रेड कलर में और इधर साइड में ये, और आगे साइड में जो यहाँ पे देख रहे हो ना ये जो डिज़ाइन बना हुआ ये रेड कलर में। BS6 मॉडल है 180 एफ 2020 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड से। तो जो फ्रंट है वो सेम दिखेगा तुम लोग को, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो ये हेड लैम्प है वो हेलोजन है और ये छोटा सा लाइट दिया हुआ है बल्ब छोटा सा, और ये जो साइड में तुमको देखने मिल रहा है ये बल्ब है विंकर, ये बल्ब है विंकर। और यहाँ पे जो तुमको देखने मिलेगा ये रिफ्लेक्टर है, इसमें कोई लाइट नहीं है, नॉर्मली नाइट के लिए रिफ्लेक्टर दिया हुआ। और टायर की जो मैं बात करूँ, टायर की साइज़ है 80x19x70 साइज है और ट्यूबलेस टायर मिलता है और ये एलॉय टायर, एलॉय व्हील्स तुमको साथ में मिलेगी। और इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक की बात करूँ मैं, डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है वो है 280mm, 280mm का डिस्क ब्रेक साइज़ है और यहाँ कोई कंपनी का नाम मार्किंग दिया हुआ नहीं है। सो ये है और सामने से जो बॉडी है सेम दिखता है 220 जैसा ही। और अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो ऑफकोर्स इंजन जो है वो 180mm का इंजन है, FI टेक्नोलॉजी के साथ तुमको मिलेगा। दो स्पार्क प्लग दिखेंगे यहाँ पे, एक तो ये साइड में है और एक ये साइड में तुमको स्पार्क प्लग देखने मिलता है। ये रहा वो, ये है वो स्पार्क प्लग और यहाँ जो है हॉर्न का सेटअप किया हुआ और एक वो रहा वहाँ पे हॉर्न का सेटअप है। सो जो इंजन है वो 4-स्ट्रोक इंजन है, BS6 सिंगल चैनल वाला और एयर कूल्ड सिस्टम साथ में तुमको इसके अंदर देखने मिलेगा।
और जो मैक्सिमम पावर तुमको मिलेगा उसके अंदर 17 PS का पावर मिलेगा, और जो टॉर्क होगा वो 14.5 Nm का टॉर्क। ओके, सो फ्यूल इंजेक्शन तुमको इसके अंदर मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ में ट्विन स्पार्क प्लग मिलेगा, और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर तुमको देखने मिलेगा, और जो गियर बॉक्स है वो 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसके अंदर है। सो अब आते पीछे, सो ये जो तुमको देख रहे हो ये ऐसा गार्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक गार्ड लगा हुआ है ये साइड में, और ये फुट रेस्ट है राइडर के लिए, और ये पीछे वालों के लिए फुट रेस्ट दिया हुआ, और ये बॉडी देख रहे हो ये भी आई थिंक ये अलॉय है, और ये जो देख रहे हो वो लोखन है, और ये जो पूरा बॉडी ये फाइबर बॉडी है आगे का, और ऑफकोर्स ये भी फाइबर ही है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है विद एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ में तुमको देखने मिलता है, और जो पीछे का जो सस्पेंशन है वो जो है वो तुमको मिलेगा 5-way एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स का। यहाँ पे देखो नाइट्रॉक्स की ब्रांडिंग, यहाँ पे नाइट्रॉक्स की ब्रांडिंग भी की गई है, तो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर तुमको पीछे देखने मिलता है। सो पीछे का जो टायर है वो 120x18 टू 17 का टायर है, और ऑफ कोर्स ट्यूबलेस टायर तुमको देखने मिलेगा, और पीछे भी जो है ये अलॉय व्हील्स है साथ में, और जो ब्रेक का साइज है डिस्क ब्रेक वो है 230mm का डिस्क ब्रेक साइज है पीछे, और पीछे से कुछ ऐसा दिखता हुआ है पीछे जो है वो LED टेल लाइट मिलेगी, और ये बल्ब है विंकर, और सो यहाँ पे जो गियर थी यहाँ पे गियर है, और ये स्टैंड है, और स्टैंड का पोजीशन कैसा है वो मैं तुमको टेस्ट राइड करने के बाद बता दूंगा। सो ओवरऑल जो लुक है वो ऐसा कुछ दिखता है हमारा बाइक का, सिर्फ ग्राफिक्स का डिफरेंस है इसमें 220 के कंपैरिजन में। सो सबसे पहले अब तुमको बताता हूँ यहाँ पे जो क्या क्या फीचर्स है, कौन से सिस्टम्स तुमको देखने मिलती है। तो राइट हैंड में तुमको कोर्स मिरर है एडजस्टेबल, सो ये जो है किल स्विच है और यहाँ पे जो है वो सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, और ये फ्रंट ब्रेक और जो सीट है वो भी अच्छा है, कंफर्टेबल सीट है, और जो लेफ्ट में जो तुमको देखने मिलेगा जो लेफ्ट में है यहाँ पे तुमको पासिंग डीपर है ये, और आगे जो है वो पासिंग लाइट है, और इसके अंदर जो है वो ये ट्विंकर्स के लिए और ये हॉर्न के लिए दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा ऑडोमीटर, तो इसको ऑन करते पहले तो, और देख सकते हो उसमें जो ये ब्लू कलर की लाइट आती है, और यहाँ देखो और ये हॉर्न में पहले लाइट होती थी अंदर, अब मैं देख रहा हूँ इधर इससे ऊपर लाइट रखी है, इधर यहाँ लाइट नहीं क्योंकि ये इतना दिखता नहीं है, और ये साइड में जो है ये जो देख रहे हो ये भी पूरा अंदर लाइट सेट किया हुआ है, और ये जो है ये भी इसके अंदर लाइट है। सो ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा ऑडोमीटर। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा ऑडोमीटर, यहाँ पे तुमको ऑडोमीटर जो है वो मीटर दिया हुआ, और इसके बाजू में डिजिटल मीटर है जिसमें तुमको किलोमीटर दिखेगा, फ्यूल कितना है वो दिखेगा, कितना किलोमीटर रन कर चुके हो वो दिखेगा, यहाँ पे जो है वो साइड लाइट विंकर न्यूट्रल, और ये आई थिंक पासिंग लाइट है, और ये ABS, और यहाँ जो है वो सेट रीसेट का बटन दिया हुआ है, तुम रीसेट कर सकते हो। सो ये था कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, तो सबसे पहले इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और फिर मैं आके तुमको जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ इसके साथ। ओके,
सो ओके सो ऐसा कुछ दिखता है बाइक। सो अभी स्पिन थोड़ा देर लेके जाता हूँ और फिर मैं जो भी होगा वो मैं तुमको आके बताऊँगा। ओके 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 सो होपफुली एंगल बराबर आ रहा, तो जो मिरर है उसको ऐसे रहने दो अभी फिलहाल। तो बाइक में पावर है एक्चुअली में, बट 220 से कंपेयर मत करना क्योंकि 220 की पावर ज़्यादा है इससे। सो मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है और मैंने 220 भी चलाई है, हालांकि उसको बहुत टाइम हो गया और ब्रेकिंग भी मुझे सही लग रही है, और फ्रंट ब्रेकिंग मैं नहीं लगवाने वाला फालतू में। सो तो बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में, तो सिटिंग पोजीशन तो बहुत ही कंफर्टेबल है और मैंने मिरर जो है वो खोला नहीं, तो पहले मिरर में थोड़ा खोल दूँ ताकि मुझे जो है वो। पुलिस वाले ना पकड़े तो अच्छा, हालांकि पर्स मैंने लिया नहीं पर्स। बहुत अच्छा लाउड है और आई डोंट नो किलोमीटर में 002 दिखा रहा है, बट और सस्पेंशन भी अच्छा है, जरा फील नहीं हो रहा मुझे कुछ, हालांकि रोड बहुत ही यहाँ का अच्छा है और साइड लाइट में जो है वो विंकर में अलर्ट नहीं है। और सो इसके बाद जो रोड है थोड़ा ख़राब है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है फिलहाल रोड पे, तो सस्पेंशन का जो एक्चुअली में जो टेस्ट है यहाँ पे हो जाएगा। तो तुम लोग को रोड अगर दिख रहा हो तो मैं थोड़ा चीन ऊपर करके रोड दिखा देता हूँ। सो ऐसा कुछ रोड है सामने, और ख़राब रोड क्यों, और एक्चुअली में बम्पी रोड है और हल्का हल्का फील हो रहा है मुझे बम्पी थोड़ा। ओके और ये साइड लाइट जो है वो पता नहीं क्यों ऐसा है यार, पीछे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इधर साइड से दिख रहा है हालांकि। और वक्त आ गया हम अपने टर्न ले ले।
थोड़ा ऑफ रोडिंग भी देख ही लेते हैं। एक्चुअली मैं इतना ऑफ रोडिंग नहीं है, और BS6 से तो आगे का एक लाइट ऑलरेडी ओपन हो चालू रहेगा, अगर तुम लोग सामने गाड़ी में रिफ्लेक्शन देख पा रहे होगे। तो यह स्टैंड भी सही जगह पे, और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था बाइक को लेके। जरा जो शॉक एब्जॉर्बर वो भी बहुत अच्छा है, बम्पी रोड में तुमको हेल्प करेगा ये। फ्रंट वाले ब्रेक भी अच्छे हैं, और आगे हेलोजन बल्ब दिया हुआ है तुमको ऊपर नीचे। सो या टोटली जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। 180 में पावर है, लेकिन 220 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंजन ज़्यादा बड़ा है और इसका थोड़ा CC कम है, उसका CC ज़्यादा है। सो या ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था अच्छा। सीट भी जो है वो कंफर्टेबल है, मैं अच्छी तरह बैठा था। ज़्यादा पोजीशन जो है वो बहुत ही अच्छा है, और ऑफ कोर्स थोड़ा जो अगर आपने ऐसी गाड़ी चलाई ना हो जिसका जो ऐसा जो जो क्या बोलते हैं जो फ्रेम एकदम सीधा दिखता हो, लेकिन जब आप टर्न करोगे तब आपको पता नहीं चलता कितना टर्न हो रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। बट ओवरऑल जो है बाइक अच्छी है, ज़ोरदार है। अगर आपको 180 में लेना हो तो आप ये ले सकते हो। सो या इतना ही था। सो वीडियो बताना मुझे कैसा लगा 180F का। तो अगर तुमको शोरूम आना है, तुम शीतल पटेल है उनसे मिल सकते हो, उनसे मिलकर टेस्ट राइड लेना हो तो वो ले सकते हो, और जो भी है तुम लोग पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर देख लिया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना ज़रूर। सो या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।